हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्ट फर्स्ट ऑफ चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। जो सोल ट्रेडिंग बिजनेस है उसमें क्या है कि एक पर्सन का सारा कंट्रोल होता है बिजनेस के ऊपर। जितना भी रिस्क है या कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या करता है, सिंगल पर्सन करता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि उसके पास क्या लिमिटेड रिसोर्सेज है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे पार्टनरशिप की नीड अराइज हुई। पार्टनरशिप में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके क्या करते हैं, बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं ताकि लार्ज स्केल पे बिजनेस एक्टिविटीज को बेटर तरीके से परफॉर्म किया जा सके। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। डेफिनेशन क्या है हमारे पास यहाँ पे, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमारे पास क्या डेफिनेशन है, पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन है बिटवीन पर्सन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ओके, पार्टनरशिप क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ का रिलेशनशिप है। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं कि पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। जो क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं एक बिजनेस का। यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी पर्सन हैं यहाँ वो क्या करते हैं, मिलके करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म, या अगर कोई पार्टनर उस पोजीशन में नहीं है कि वो बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी फॉरवर्ड कर सके तो उसके बिहाफ पे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मेनली क्या है, म्यूचुअल ट्रस्ट और फेथ का रिलेशनशिप है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पार्टनर्स के बीच में फेथ और ट्रस्ट होगा तभी एक जो पार्टनरशिप फर्म है वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट हम फीचर्स की बात करते हैं, फीचर ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट है हमारे पास टू और मोर पर्संस, सेकंड हमारे पास एग्रीमेंट, नेक्स्ट है हमारे पास शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट मोटिव, नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, नेक्स्ट है हमारे पास नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस कैरिड ऑन बाय और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमारे पास फीचर्स हैं पार्टनरशिप के। फर्स्ट है हमारे पास टू और मोर पर्संस। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर मिनिमम टू मेंबर्स होने चाहिए। क्लियर? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हम किन पर्संस को एज अ पार्टनर एडमिट कर सकते हैं, जो क्या होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होने चाहिए और साउंड माइंडेड होने चाहिए। अगर कोई पर्सन क्या है डिस्क्वालिफाइड है लॉ के द्वारा या इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए या माइनर है, क्लियर, तो उसको क्या है इस एक्ट के अंडर राइट नहीं है कि वो पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। यहाँ पे जो पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कोई भी लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए। क्लियर? जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे 50 मेंबर्स प्रिस्क्राइब किए हैं कि एक पार्टनरशिप के अंदर मैक्सिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए। ओके, तो जो माइनर है, माइनर यहाँ पे पार्टनर नहीं बन सकता, सिर्फ वो एक बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स ही शेयर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, इट केम इनटू फोर्स बाय द एग्रीमेंट नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। यानी कि जो हिंदू अनडिवाइडेड बिजनेस है वो क्या है, लॉ के ऑपरेशंस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है,
बट जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो क्या है, एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। क्लियर? तो जो ये एग्रीमेंट है ये रिटन में भी हो सकता है, ओरल में भी हो सकता है। इस एग्रीमेंट के अंदर सारे पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज मेंशन होती है। ओके? तो इसलिए जो पार्टनरशिप है वो क्या है, रिजल्ट है एग्रीमेंट का। नेक्स्ट है हमारे पास शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो पार्टनर्स है वो क्या करते हैं, प्रॉफिट को शेयर करते हैं जितनी रेशो उनके एग्रीमेंट में स्पेसिफाई है। क्लियर? उस बेसिस पे वो क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं। ओके? नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट मोटिव। जो पार्टनरशिप है वो क्या है, प्रॉफिट मोटिव के पर्पज से रन की जाती है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर टू और मोर पर्सन यहाँ पे एग्री करके एक बिजनेस को रन करते हैं चैरिटेबल पर्पज के लिए, तो उसको हम पार्टनरशिप कंसिडर नहीं करते। अगर वो क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से, तो उसको हम पार्टनरशिप कंसिडर करेंगे। ओके? तो यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं वो एज अ एजेंट भी काम करते हैं और एज अ प्रिंसिपल भी काम करते हैं। क्लियर? यहाँ पे क्या है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को क्या करता है, किसी भी काम के लिए बाउंड कर सकते हैं, और जो एक जो बाकी पार्टनर्स हैं वो भी उस पार्टनर को किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए बाउंड कर सकते हैं। ओके? तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि जो रिलेशनशिप है पार्टनर्स का वो एज अ प्रिंसिपल भी है और एज अ एजेंट भी है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पार्टनर्स का कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। यहाँ पे जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, उसको इंडिविजुअली और सेपरेटली फॉलो करते हैं। क्लियर? इसलिए पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं उनका कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। क्लियर? लास्ट है हमारे पास बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पे क्या है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो मिलके भी बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उनके भी हाफ पे सिंगल पर्सन भी कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इसलिए इसको क्या कंसिडर किया गया है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर? ये हमारे पास क्या थे, फीचर्स थे पार्टनरशिप के। ओके? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास राइट्स ऑफ अ पार्टनर। राइट्स ऑफ पार्टनर्स में फर्स्ट है हमारे पास कि हर पार्टनर को फर्म के अंदर प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करने का राइट है। क्लियर? जो रेशो उन्होंने एग्रीमेंट के अंदर स्पेसिफाई किया सेम उस रेशो में वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म के भी हाफ पे कोई एक्सपेंस किया है तो उसके लिए भी वो क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि हर पार्टनर को राइट है कि कोई न्यू पार्टनर अगर फर्म में एडमिट होना चाहता है तो उसकी एंट्री को वो डिसअलाउ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई नहीं है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे उसको पे किया जाएगा, तो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे उसको पे किया जाएगा। ओके? नेक्स्ट है हमारे पास कि हर पार्टनर को राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हैं और उसकी कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं। हर पार्टनर को राइट है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर पार्टनर क्या है, यहाँ पे ज्वाइंट ओनर है पार्टनरशिप फर्म का। क्लियर? लास्ट है हमारे पास कि अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो वो प्रॉपर नोटिस देके फर्म से रिटायर हो सकते हैं। ओके? तो ये हमारे पास क्या है, राइट्स हैं पार्टनर्स के। सो दिस इज एंड ऑफ पार्ट फर्स्ट ऑफ चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।